आन टीवी के दिलचस्प मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। अम्मी भैया को तो सब पता है, अब क्या होगा? मैं चाहती हूँ कि मैं जमीन का हक महर मैं डिसाइड करूँ और उसका हक महर 10 लाख रुपए होना चाहिए। आपने तो पहले दिन से मुझे और हालिया को कबूल ही नहीं किया, और अब जब इस घर में थोड़ी सी खुशी आने वाली है तो ये बात भी आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये ड्रेस मैं जवीन के लिए लेकर आई हूं, पसंद आए तो पहन ले वरना उसकी मर्जी है। बिया, ज्वेलरी सेट वगैरह कहाँ है? किस लिए? मैं जवीन को 2 जोड़ों में बेचना है, ऐसे ही कहा था ना मैंने, 2 जोड़ों में जाएंगे। हाँ, लेकिन दुल्हन ने आपको सोने का सेट तो देना चाहिए ना। हानिया लेकर आई थी, आपने हानिया को कुछ दिया था? भैया, अगर आप माजबीन आप ही को कुछ नहीं देना चाहती तो मैं उन्हें अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट दे दूंगा। नहीं नहीं उसामा, वो दुल्हन ने आप बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी हमें माजबी को कुछ नहीं देना चाहिए। अगर वो लोग लालची निकल आए तो बाद में दे देंगे ना। खाला, ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूं और अब भी कह रही हूं, हमारे घरेलू मामला से जरा दूर रहा करें। किसको क्या देना है क्या नहीं देना, मैं हूं ये डिसाइड करने के लिए, आपको और उसामा को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि बिया आसिम के साथ तुम्हारी शादी के लिए इतनी आसानी से मान गई, वो भी लाख इख्तलाफात के बावजूद। ठीक कह रही हो तुम, वरना बिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, वो चाह रही थी बस एक बात उनको मिल जाए जिसको जवाज़ बना के वो रिश्ते से इनकार कर दे। लेकिन देखो, आसिम ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बिया की हर बात कितनी समझदारी से हैंडल कर रहा था। और हम सब जानते हैं कि 10 लाख हक मेहर वाली बात बिया ने बहुत नाइंसाफी की है करके, ये शर्त पैसे नाजायज रखी थी बिया ने। सच कहते हैं, मोहब्बत में बहुत ताकत होती है। अगर आज मैंने उसामा और तुम्हारी तरह बहादुरी दिखाई होती तो आज मेरा भी घर बसा होता। कोई बात नहीं रायमा, जो अल्लाह को मंजूर। अच्छा सुनो, तुम ना अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें एक बैग में रख लेना, अगर वहाँ पे कोई चीज़ नहीं हुई तो कम से कम तुम्हारी सारी चीज़ें तो तुम्हारे पास होंगी ना। हाँ, मैंने सब कुछ रख लिया, जैसे बिया ने सोचा है ना, जो 2 जोड़ों में रुख्सत करने का, वैसे ही जाऊँगी। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए इनसे। हाँ, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते ना तो मैं ज़रूर शिकवा करती। हाँ, अगर हमारे माँ बाप जिंदा होते तो कितना बढ़ चढ़ के तुम्हारे लिए सब चीज़ें करते। जितने भी बड़े हो जाए ना, हम माँ बाप की कमी तो फील होती है। शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। ये भी तो हो सकता है कि बिया आजमा रही हो आसिम को,
ये देख रहे हो कि वो लालची है या नहीं? खाला ठीक कह रही थी वैसे कि वो आसिम का लालच आजमा रही है। नहीं रायमा, मुझे आसिम लालची नहीं लगता। अगर ऐसा होता ना तो वो जहेज की डिमांड जरूर रखता। दो जोरों में रुखसत होने की बात पे राजी कभी ना होता। हाँ ये भी है, पिया शायद है ही तंग दे। माजबीन हमें ऐसे तुम्हारी बहुत याद आएगी। ये कमरा कितना खाली फील होगा तुम्हारे बगैर। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आएगी रायमा। अल्लाह करे तुम और आसिम हमेशा खुश रहो, और माजबीन बहुत सब्र से काम लेना। घर बसाना ना आसान नहीं होता। रायमा मेरा खाने के और बाकी सारे इंतजाम मुकम्मल कर लिए हैं। बहुत ही मुख्तसर से लोग आ रहे हैं, बाहर से कोई नहीं आ रहा। इतनी अच्छी बात है, जिस तरह से हम लोग बैठे हैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी सोग में आए। ना कोई लाइट, ना ढोलकी, ना मेहंदी, ना सजावट, कहीं से लग रहा है कि ये शादी वाला घर है। हाँ तो हमें करना चाहिए ना, सजावट करते हैं घर की, क्यों नहीं कर रहे हम? भाभी अब सही कह रही है। क्यों रायमा बाजी, मिलके हल्ला गुल्ला करें? हाँ कर तो सकते हैं। हानिया तुम्हें बड़ा शौक आ रहा है सजावट करने का। अम्मी ये खुशी का मौका है, मेरे सर से पला टल रही है, मुझे खुश होने। माँ कह तो ठीक रही हो, वाकई पला टल रही है। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो माजबीन, अल्लाह पाक पूरी नजर से बचाए तुम्हें। भैया वो काजी साहब बुला लो। जी आइए आइए काजी साहब। जमीन सिद्दीकी वल्द नवाज सिद्दीकी, आपका निकाह आसम जमाल वल्द जावेद जमाल से 10 लाख हक मेहर के वज आपको कबूल है? कबूल है। आसिम जमाल वल्द जावेद जमाल, आपका निकाह माँ जबीन सिद्दीकी वल्द नवाज सिद्दीकी 10 लाख हक मेहर के एवज किया जा रहा है, आपको कबूल है? कबूल है। Oh, oh, oh.
हमेशा खुश रहो। थैंक यू भैया। मुन्ना ध्यान से खेलना, बाहर मत जाना। शाबाश। मैं तो डरी गई थी, तुमने हमें इतना अचानक क्यों बुला लिया? दरअसल बात यह है कि मैं जब भी गांव आता हूं ना, तुम्हें हंडिया और चूल्हे से फुर्सत ही नहीं मिलती। ना तुम बैठ के बातें करती हो कि इतनी दूर से मेरा खावंद आया। फिर मैंने सोचा कि मैं तुम दोनों को यहीं बुला लेता हूं, बस अब कुछ दिन रहो फिर चले जाना। हाँ, मुन्ना भी ना तुम्हें हर वक्त याद करता रहता है। मुझे तो लग रहा था कि हम यहाँ घूम ही ना जाएं। यहाँ कोई नहीं घूमता। मैंने तो तुम्हें कहा था कि रेलवे स्टेशन पर ही मेरा इंतजार करना, हर एक तुम हो जो खुद ही चली आई। अच्छा सुनो, कितना बड़ा शहर है ये। मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत बड़ा पार्क भी है, तुम हमें घुमाने लेके जाओगे ना? जरूर घुमाने लेके जाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, पहले तुम अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाओगी। बड़े दिन हो गए हैं ना तेरे हाथ का कुछ खाए हुए। अभी बनाती हूँ। ठीक है, चलो फिर तुम जाके खाना बनाओ, उतनी देर में अपने मुन्ने के साथ खेलता हूँ। ठीक। ओ मुन्ना, ओ। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, माजिबीन मेरी बेटियों की तरह है और मैं उसे हमेशा अपनी बेटी बना के रखूंगी। इंशाल्लाह। अच्छा दुर्नायाब, अब हमें इजाजत दो। ये घर तुम्हारा मैका है, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। तुम भले मुझे अपना दुश्मन समझो, कुछ भी कहो, लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने बहन भाइयों की हर मुश्किल और परेशानी में उनके साथ हूं। पता नहीं ये ड्रामा कब खत्म होगा, मैं तो थक गई हूं भाई। बहुत ख्याल रखना। खुदाफिज़ खाला। जीती रहो, खुश रहो। असम आई रेट Thank you.
मैं सोच भी नहीं सकता था माजबीन के मेरा ख्वाब इस तरह से सच हो जाएगा। मैं दिल से कह रहा हूँ कि तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। मैंने जीदौरा नाम में आकर शादी तो कर ली थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा से तुम ही थी। शायद इसीलिए मैं कभी खुद को खुश नहीं रख पाया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा और तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करूंगा। आसिम, अब हम पुरानी बातों को याद नहीं करेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ माजबी, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। दादी, हम आज कहा गए थे, टीना का घर कितना प्यारा है ना? हाँ बेटा, वो आपकी मामा का घर है। मेरी मामा? हाँ, वो आपकी मामा है और आपने उनको बिल्कुल परेशान नहीं करना। ये दादी, मामा इतने दिन से कहाँ थे? मामा की तबीयत ठीक नहीं थी ना। अच्छा, मैं उनका ख्याल रखूंगा ताकि वो दोबारा कहीं ना जाए। शाबाश, चलो पढ़ो पढ़ो। ये देखो, ये क्या है? वही। हाँ, हाँ नायबा, चली गई अम्मा जबीन और मैंने उसके किसी भी काम में दिल से शिरकत ही नहीं की। इस बात का गिला मुझे हमेशा रहेगा और मुझे ये भी पता है कि उसे हानिया और समीना खाला ने बहकाया है। बस उन्हीं के गुस्से में मैंने ये सब किया। दूर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी कंडीशन को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। माँ जबीन को तुमने कुछ नहीं दिया है और आसिम के माइंड का हमें पता नहीं है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है हम क्या जाने, और हम क्या करेंगे अगर वो लालची निकला तो? देखो मेरी बात सुनो, तुमने जो कुछ भी माँ जबीन के लिए रखा हुआ है वक्त आने पर उसकी अमानत उसे वापस कर देना। हाँ भाई, पर मैंने भी यही सोचा है कि कुछ दिन रुक कर जो भी उसके सेवर हैं, जो कुछ भी मैंने उसके लिए बनाया है वो मैं उसके हवाले कर दूंगी। मुझे पता है उसके दिल में हजार गिले शिकवे होंगे मेरे लिए, लेकिन है तो मेरी बहन ना, मैं कुछ भी करके उसका दिल साफ कर दूंगी। देखो मेरी बात सुनो दूर, उसका दिल साफ करने से पहले जरूरी है कि तुम अपने घर वालों का दिल साफ करो, रायमा का और उसामा का। हानिया और समीना खारा जब तक साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि रायमा और उसामा समीना खाला के खिलाफ और हानिया के खिलाफ कुछ सुनने को तैयार नहीं है। उनको तो हमेशा मुझसे कोई ना कोई शिकायत ही रहती है। मैंने तो इन सबसे बात करना ही छोड़ दी है। मेरा तो दिल ही बुरा हो गया अब इन सबसे। मैं आ जाऊं? जी जी खाला, आ जाए। पूछती क्यों है? मैंने सोचा आज तुम्हारे पास सो जाती हूँ। माँ जब भी कभी बिस्तर खाली होगा ना, तुम्हें उसकी याद आ रही होगी। दोनों खाला भतीजी मिलकर गपशप करेंगे ना? अच्छा क्या खाला, मैं सच में बहुत उदास हो रही थी। रायमा, मुझे तुम्हारे दिल के हाल का अंदाजा है। इसीलिए कहते हैं ना कि खाला भी बिल्कुल माँ जैसी होती है, आपके दिल का हाल जान लेती है। रायमा बेटा, तुम लोग मेरी दुनिया हो। हानिया की तरह ना
तुम सब लोग मुझे दिल से अजीज हो। आपको पता है खाला, जब से हमने होश संभाला है ना, मैं और माजबीन हमेशा एक साथ इसी कमरे में रहे हैं। फिर मेरी शादी हो गई, माजबीन अकेली हो गई, लेकिन मेरे नसीब में शादी का सुख कहाँ लिखा था। अब खैर से माशाल्लाह माजबीन की शादी हो गई है, मैं अकेली हो गई हूँ। हाँ बेटा, माँ जब भी हम सबका कितना ख्याल रखती थी, सबकी जरूरतों का पता था उसे, किसे क्या चाहिए, कौन क्या खाता है। लेकिन दुर्रे ने आपने की उसके साथ नाइंसाफी है, बस आनन फानन उसकी शादी कर दी। चलो जहेज ना देती, लेकिन आपा के जेवर में से जो उसका हिस्सा बनता था वो तो दे देती उसे। चलो बेटा, मैं तो हूँ ही गरीब, मैं तो हानिया को कुछ नहीं दे सकी, लेकिन माजबी की माँ तो बहुत कुछ छोड़ के गई थी, उसको तो मिलना चाहिए था। तुम्हें तो मिला होगा ना कुछ? जी खाला, मुझे तो काफी कुछ दिया है बिया ने, सिर्फ अम्मी की नहीं, खुद से भी काफी चीजें दी हैं। फिर तो माजबी के साथ नाइंसाफी हुई है ना। मैं क्या बोलूं बेटा, मेरी बात तो दुर्रे ने आपको पसंद ही नहीं आती, उसे लगता है शायद मैं सबको भड़का रही हूँ, उसके खिलाफ कर रही हूँ। लेकिन सच पूछो ना तो मैं तुम सब लोगों का भला चाहती हूँ, तुम मेरी बहन के बच्चे हो, मेरा खून हो। मैं नहीं सोचना ना तुम सब लोगों के बारे में, मैं नहीं सोचूंगी तो कौन सोचेगा। जी खाला, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, देखिएगा आप माजबीन को अल्लाह बहुत देगा, उसने सब्र भी तो इतना किया है। अच्छा हो गया ना सब कुछ, खुशी खुशी? हाँ। क्या हुआ, आप उदास हैं? हाँ, उदास होने वाली बात नहीं है क्या? मेरा सबसे ज्यादा एहसास करने वाली माजबीन आप ही, जो मेरे कहे बगैर मेरी हर बात को सुन लेती थी, समझ लेती थी, और मैंने क्या किया उनके साथ, उन्हें खाली हाथ रुखसत कर दिया। और अगर कल को आसिम भाई ने उन्हें कोई ताना दे दिया तो? देखिए, मुझे लगता है कि ये बात तो पिया को सोचनी चाहिए थी ना, मतलब इतना सब कुछ होते हुए भी उन्होंने माजबीन आपी को इस तरह खाली हाथ रुखसत कर दिया। मुझे चली कुछ ना सही, एक अंगूठी तो मिली ही थी, माजबीन आपी को तो वो भी नहीं दिया उन्होंने, मतलब उनका भी उतना ही हक बनता था। मैं सोच रहा हूँ कि कल कुछ चीजें लेकर माजबीन आपी के घर भिजवा देता हूँ। नहीं नहीं मतलब क्या पता बिया ने कुछ प्लान किया हो, हमें चाहिए पहले वेट करें, देखें वो क्या करती हैं, अगर उन्होंने फिर भी कुछ ना किया तो आपको जो मुनासिब लगे आप कर लेना। ये ठीक कह रही हो तुम। चलें फिर अब सोएं, काफी देर हो गई है, और अब
माँ जबीन आप ही तो है नहीं, सुबह उठकर नाश्ता भी मुझे ही बनाना है आपका। मैं चेंज करके आती हूँ। मिस रोहिमा, मैंने सुना है कि आपकी बहन की शादी हो रही है, हो गई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। भई आप तो बड़ी छुपे रुस्तम निकली हैं, अपनी बहन की शादी की मिठाई भी निकलाई आपने। मिस रोहिमा, अब हमारी ट्रीट जो है आप पर उधार हो गई है, भई इतना तो हक बनता है हमारा। आप हमें आज ट्रीट दे या ना दे इस पे कोई मसला नहीं है, हम फिर भी इंतजार करेंगे। अच्छा ठीक है, फिर आज का लंच मेरी तरफ से। That's good, ये हुई ना बात। आज क्या फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग चल रही है? नहीं मैम, वो जो न्यू स्टाफ आई है मैम राइमा, उनकी बहन की शादी थी तो उसी सिलसिले में उन्होंने अपने दोस्तों को लंच की दावत दी। अच्छा ठीक है, मुझे कॉफी ला देना। जी ठीक। शुक्र है आईमा ऑफिस में दिल लगे, जितना अपनी जिंदगी में मसरूफ रहेगी उतना ही इसके लिए अच्छा है, इसके जहन से कठोर खत्म हो जाएगा। थैंक गॉड। लाए आंटी मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, माजी भी तुम मुझे अगर अम्मी कहोगी ना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, और तुम तो अभी नई नई दुल्हन हो, तुमसे काम करवाना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं घर में भी सबके लिए खाना बना देती, लाई मुझे दे मैं बनाती हूँ, देना। अरे भाई तुम इतना इसरार कर रही हो तो ठीक है, लेकिन हमारे घर में तुम्हारी बिया के जितना बड़ा डाइनिंग टेबल तो है नहीं, वो बाहर जो टेबल पड़ा है ना तुम बस उस पर ही सारा सामान लगा दो। जी अम्मी। सारे कपड़े मुझे टाइट हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं अब। आज महजबीन आप ही ने अपने घर दावत पे बुलाया है, वलीमा डाय, अब उसके लिए मुझे कुछ चाहिए, ये कपड़े मुझे फिट ही नहीं आ रहे, क्या करूं? हाँ तो इसमें क्या, नए खरीद ले, उसामा के पास कौन सी कमी है? अरे आप ठीक कह रही हैं, मुझे तो चाहिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लूं। अभी मंगवाती हूँ। वैसे मेरा नवासा ना बहुत खुशकिस्मत है, उसके आने की खबर आते ही ना एक फूफी तो ठिकाने लग गई है। बात तो आप ठीक कह रही हैं अम्मी,
ऐसे ही हुआ है। बस अब ये रायमा आप ही भी कहीं ठिकाने लग जाए न्यूज टीना के साथ, जहां छूटे मेरी इन लोगों से। हाँ है तो मुश्किल, लेकिन कोशिश तो की जा सकती। पता है मैं क्या चाहती हूँ? जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आए ना, तो सारी तवज्जो सारा प्यार उसी को मिले। जब तक कि टीना होगी ना यहाँ, सारी तवज्जो पट जानी। बेटा फिक्र ना कर, अपना बच्चा ना अपना ही होता है, उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता, समझ आई? वैसे अम्मी आपको क्या लगता है, बिया जाएंगी माजबीन आप ही के ससुराल? मेरा नहीं ख्याल कि वो जाएगी। अल्लाह करे ना ही जाए, उनकी मौजूदगी में ना बंदा मुंह पे टेप लगा के बैठ जाए। वैसे हानिया, सारा खर्चा बचा लिया दुर्रे ने आपने। माजबी की शादी ऐसी चलाकी से की है। चलो अच्छा है, जो बच गया मेरी बेटी के काम आएगा। मेरे काम क्यों आएगा? वो कौन सा सारा पैसा मुझे लाकर दे रही है? अरे भाई कहाँ लेके जाएगी, सब कुछ उसामा का तो है। वक्त के साथ साथ ना सब ठेका खत्म हो जाता है, सारे रोग भरम मिट्टी में मिल जाते हैं। और ये दुर्रे ने आप चीज क्या है? अभी तो बहने मुंह को आई है ना, कल उसामा खड़ा हो गया तो। अल्लाह करे अम्मी ऐसे ही हो जैसे आप कह रही हैं। बेटा ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, तू फिक्र ना कर। पिया आओ बैठ। मैं जब इनके यहाँ दावत है, बुलाया उस 8 बजे, तैयार हो जाना, प्राइमा को भी कह देना। आप प्राइमा बाजी से नाराज हैं? नहीं, गुस्सा है। गुस्सा था मुझे उस वक्त, लेकिन बाद में सोचा कि जिस तरह रायमा को गाइड किया जा रहा है, उसकी जगह कोई भी होता तो शायद ऐसे ही रिएक्ट करता। आपका इशारा समीना खाला की तरफ है। बस इसी चीज का अफसोस है मुझे, तुम समझ रही हो लेकिन रायमा को समझ नहीं आ रही कि समीना खाला की वजह से घर का माहौल खराब हो रहा है। समीना खाला ने तो जैसे ब्रेन वॉश कर दिया उसका। मैं बात करने की कोशिश करूं तो वो मुझे डांट कर चुप करा देती हैं। तुम परेशान मत हो, मैं सिचुएशन हैंडल कर लूंगी। बस एक बार खैरियत से हानिया की डिलीवरी हो जाए, समीना खाला को तो उनके घर में खुद ही छोड़ कर आऊंगी। आप आ जाएंगी? जाना तो पड़ेगा, मैं जबीन का ससुराल है वो, और मैं जबीन को भी मैके का एहसास होगा कि उसकी बैग बहुत मजबूत है। आप हमारे लिए कितना सोचती हैं, कितनी सैक्रिफाइसेस देती हैं। तुम लोगों की आप ही तुम लोगों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकती, ना नुकसान तो कर सकती हूँ लेकिन मैं बहन भाइयों का नहीं, ये याद रख। हम बहुत लकी हैं कि हमें आप जैसी बहन मिली। अच्छा सुनो, वो गिफ्ट्स पड़े
उसामा और रायमा को दे देना, क्या ना कि वह जबीन को देने। ये पिक्चर शासन को भेजती हूँ। मेरा जी भाई आई। यार ये मेरा जल्दी आ जाओ यार, 8 बज गए, हम ऑलरेडी लेट हो गए हैं यार। तो तुम लोगों के नखरे। सॉरी भाई, बिया नहीं लिए अभी तक, उन्हीं का तो वेट कर रहे हैं। उसामा, उसामा तुम खाला को छोटी गाड़ी में ले जाओ। दे खुदाया